प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा है कि यदि ए अभी में 100001024 हो तो दिखाइए कि 3A इज्कल टू 27 मल्टीप्लाई ऑफ ए 3A या फिर इज्कल टू ए की 27 मल्टीप्लाई मोड ऑफ ए। हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है। तो सबसे पहले ए इज्कल टू लिख लेते हैं 101012004। अब हमें 3A ज्ञात करना है, तो 3A ज्ञात करने के लिए ए में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब किसी भी अवयव में 3 किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस अवयव के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे कि 3 में ए से गुणा किए हैं तब 3A इसके बनाने के लिए इस सब एलिमेंट में 3 से गुणा करेंगे, इसे पूरे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 3 से 0 में गुणा करेंगे 0, फिर 3 से 1 में गुणा करेंगे 3, फिर 3 से 0 में गुणा करेंगे 0, फिर 3 से 1 में गुणा करेंगे 3, फिर 3 से 2 में गुणा करेंगे 6, फिर 3 से 0 में गुणा करेंगे 0, फिर 3 से 0 में गुणा करेंगे 0, और फिर 3 से 4 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये 3A। अब हम इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, अब इसका एक्सपेन कर वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम इसे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, यह सारणी को खोलने का नियम होता है कि इसे R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो होता है उसे प्लस से खोलते हैं, यहाँ पर जो होता है उसे माइनस से खोलते हैं, यहाँ पर जो होता है उसे प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर जो होता है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसी प्रकार से इन्हें खोलते हैं। तो R1 का अनुदिश करते हैं तो R1 का पहला एलिमेंट लेते हैं 3 और इसके आगे प्लस प्लस, पहला एलिमेंट तो प्लस से खोलेंगे। फिर जब जिस पंक्ति का मतलब R1 का लिए हैं तो R1 जिस पंक्ति में 3 होगा वो पंक्ति और जिस स्तंभ में होगा उस स्तंभ को हम नहीं लेंगे, उन्हें छोड़ देंगे ऐसे ही। ये हट जाएगा, फिर ये हट जाएगा, तो 3, 12 और 0, 6 बचेंगे। तो इनमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से 12 में मल्टीप्लाई, फिर माइनस में 0 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। अब 0 लेंगे तो प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और 0। अब 0 आ गया तो 0 की पंक्ति क्यों कौन सी है, पहली रो और ये जो सेकेंड कॉलम है इन दोनों को छोड़ देंगे, फिर इसे इसमें गुणा करेंगे, फिर इसे इसे में गुणा करेंगे, मतलब कि वो एलिमेंट जिस पंक्ति या कॉलम में आता है उस पंक्ति और कॉलम को हम हटा देंगे और जो बचेगा उसमें 3 गुणा कर उसे लिख देंगे। तो 0 से 12 में गुणा करेंगे, फिर माइनस 0 से 6 में गुणा करेंगे। फिर इसके बाद आता है ये 3, फिर 3 को लेंगे 3 × अब प्लस माइनस प्लस, तो ये भी प्लस से खुलेगा तो 3 हो जाएगा डायरेक्ट। और ये कॉलम तीसरा में है तो कॉलम तीसरा भी हट जाएगा और रो 1 भी हट जाएगा। तो इस अब जो बचेंगे 0, 3, 0, 0 बचेगा, तो इनमें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से 0 में गुणा करेंगे, फिर 0 से 3 में गुणा करेंगे। फिर अब वैल्यू इसका निकालते हैं कि 3 × 12 में 3 से गुणा करेंगे, 12 से 3 में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 0 से 6 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस में 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो पूरा 0 आता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर ये 0 से 0 में गुणा करेंगे, फिर 0 से 0 में 0, 0 आ जाएगा, तो ये भी प्लस 0 हो जाएगा। तो फिर इसे गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 18 और 3 × 9 = 10, 108 आ गया। LHS बराबर LHS लिए थे तो LHS बराबर 108 आ गया। अब RHS को चेक करेंगे,
तारेचेस, तारेचेस बराबर क्या था कि 27 मोड ऑफ है, मतलब कि जो ए का प्रसार करके जितनी वैल्यू आएगी उसमें 27 से गुणा कर देंगे, और 27 से गुणा करने पर 108 आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो मोड ऑफ ए निकालते हैं, ए का मान निकालते हैं, तो ए इज़ टू 1 0 0 0 1 0, फिर 1 2 4, फिर अब ए का वैल्यू का प्रसार करेंगे तो सी वन के अनुदिश प्रसार करने पर सी वन के अनुदिश प्रसार करने पर, जब सी वन के अनुदिश प्रसार इसलिए कर रहे हैं कि इसमें पूरा ज़्यादातर जीरो है, और जीरो से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन जल्दी होता है। तो सी वन इसे प्लस से खोलेंगे, तो प्लस वन मल्टीप्लाई में जिस रो में होगा वो एलिमेंट, उस रो को और उस कॉलम को छोड़कर जितना बचेगा उसमें गुणा कर, तिरिया गुणा कर देते हैं। तो 1 से 4 में गुणा होगा, फिर 2 से 0 में, तो 1 से 4 में गुणा होगा तो 4, और माइनस 2 से 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस से खोलेंगे और 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसे इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं। फिर 0 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, अतः वैल्यू आ जाएगा केवल 4। और मोड ए इक्वल टू 4 आ गया, 4 आ गया। तो अब 27 मोड ए इक्वल टू की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, तो 27 मोड ए इंटू 4, मोड ए की वैल्यू 4 आई थी, तो 4 सत्ते 28 का 8, 4 दूना का 8 और 2 हासी 10, 108। तो LHS बराबर RHS, तो हम कह सकते हैं कि 3A मोड में 3A इक्वल टू 27 इंटू मोड ए, वैल्यू की इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है।